हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं दम आलू या आलू दम। आलू को हमने इसमें फ्राई भी नहीं किया है और बॉईल भी नहीं किया है, बहुत कम तेल में हमने दम आलू बनाकर तैयार किए हैं। चलिए देखते हैं इसकी रेसिपी। दम आलू बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिए हैं छोटे साइज़ के आलू। इसको हमने आधा घंटा पानी में भिगो कर रख दिया है, जिससे इसकी मिट्टी अच्छे से फूल कर निकल जाए। इसको हमने पानी से अच्छे से धो लेना है, फिर एक कांटे की सहायता से इसमें हमने छेद कर देने हैं। छेद करने से आलू जल्दी गल जाएंगे और जो मसाला हम बनाएंगे वो भी इसके अंदर तक जा सकेगा। अब हमने सारे आलूओं को छेद कर लिए हैं। अब हम लेंगे एक पैन, इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच तेल। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तब हम इसमें डालेंगे आलू और थोड़ा सा नमक। इसको ढककर सिम गैस करके हम 5 मिनट के लिए पका लेंगे। जब तक आलू हमारे पक रहे हैं तब तक हम यहाँ पर मसाला रेडी कर लेते हैं। इसके लिए हम मिक्सी के पॉट में डालेंगे 2 मीडियम साइज़ के प्याज, 4 से 5 लहसुन की कलियाँ, 1 हरी मिर्च। अगर आप मिर्च ज़्यादा खाते हैं तो यहाँ पर हरी मिर्च ज़्यादा डाल सकते हैं। 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच काली मिर्च, 2 लौंग, 1 छोटी इलायची, 1 से 1.5 चम्मच धनिया। इस मसाले को हम बिना पानी डाले दरदरा पीस लेंगे, इसको ज़्यादा महीन नहीं करना है हमने। इसको हम पॉट से बाहर निकालेंगे। अब इसी में हम डालेंगे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर और 1 चम्मच दही। इसका भी हम पेस्ट बनाकर रेडी कर लेंगे। अब हम लेंगे 1 कढ़ाई और उसमें डालेंगे हम 1 बड़ा चम्मच तेल। एक साइड हमने आलूओं को रखा था, उसको हम हिला देंगे क्योंकि अभी इसे पकते हुए सिर्फ 2 ही मिनट हुए थे। तेल को हम अच्छे से गरम कर लेंगे। जब ये गरम हो जाए तो इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी हींग और प्याज का मसाला जो हमने बनाकर रेडी किया था। इसको हम अच्छे से ब्राउन होने तक भून लेंगे। गैस को मीडियम रखकर ही मसाला भूनिए, तभी इसका अच्छे से स्वाद आता है। जब मसाला अच्छे से भून जाए तो हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच नमक। आप नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और थोड़ी सी हल्दी। इसको मसाले जले ना, इसलिए इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा पानी। 2-3 चम्मच पानी डालकर इसको फिर से 1 मिनट तक अच्छे से भून लीजिए। जब प्याज हमारा भूनकर अच्छे से रेडी हो जाए तब हम इसमें डालेंगे टमाटर का पेस्ट जो हमने दही के साथ पीसा था, और इसको भी हम 3 से 4 मिनट तक भून लेंगे। आलू जो हमने रखे थे उसको हम चेक कर लेंगे, अगर वो चम्मच से तोड़ने पर टूट रहे हैं तो गैस को बंद कर दीजिए। आलू बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। मसाले को अच्छे से भून लेना है हमने, और जब मसाला भुन जाए तो इसमें डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा कसूरी मेथी। इसमें हम डालेंगे आलू जो हमने रोस्ट किए हुए हैं, इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा पानी। अगर इसको आप ज़्यादा ग्रेवी बनाना चाहते हैं तो पानी ज़्यादा डाल सकते हैं, नहीं तो इसमें डालिए 1 कप पानी और इसको सिम गैस पर रख दीजिए। दम आलू बनकर हमारे एकदम रेडी हैं। चलिए इनको सर्व कर लेते हैं। ऊपर से हम इसमें डालेंगे हरा धनिया और इसको आप इंजॉय कीजिए रोटी या पराठे के साथ। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें।